अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा दावत व्लॉग, जिसमें हमने काफ़ी सारी डिशेस बनाई थी और ये मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बिरयानी बन रही थी और बिरयानी के साथ साथ हम बना रहे थे अचार गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है। और ये सिंपल सी इसके इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, मतलब कि आप लोग मार्केट से मसाला ले सकते हैं, मसाले का डब्बा मिल जाता है और फिर आपको एक्स्ट्रा मसाले भी यूज़ नहीं करने पड़ते और उसके ऊपर सारा मेथड भी लिखा होता है। फिर आप वहाँ से लेके इजीली अचार गोश्त भी बना सकते हो। और उसके अलावा बिरयानी भी बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसके भी आपको मार्केट से पैकेट मिल जाते हैं। अगर आप लोग मार्केट से मसाला ले लेते हो तो आसानी से आप लोग बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आप घर में खुद मसाले बनाएं तो फिर उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसको यहाँ पर सफाई चल रही थी तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सफाई की है, कैबिन साफ़ किए हैं और उसमें शीट्स डाली हैं, क्योंकि कैबिन ऐसे ख़राब हो जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल की हो या साइड टेबल्स की हो या अलमारी में हो, तो आप अगर वहाँ पे शीट्स बिछा दे पहले, उसके ऊपर भी चीज़ें रखें तो एक क्लीन लुक भी आती है और चीज़ें भी अच्छे से और प्यारी प्यारी लग रही होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी शीट्स ले ली मैंने और फिर यहाँ पर उसकी पेमेंट करके शीट्स मैंने डाल दी थी और उसके ऊपर फिर मैंने बाकी चीज़ें रखी। इसमें सबसे पहले आ गया ये हेयर ड्रायर, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर है। और अगर आप इनके भी रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो मैं आपके साथ इनके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं ये। और अब हम बना रहे थे मीठा, मीठे में मैं बना रही थी शेर कोरमा, ये भी बहुत मज़े का बनता है और ईज़िली बन जाता है। इसमें दो पैकेट मैंने शीर खोरमा के लिए थे और उसको एक लीटर दूध मैंने लिया था हॉल पर, और एक लीटर दूध जो मार्केट से मिलता है, मतलब गाँव का जो मिल्क होता है वो मैंने लिया था। फिर दोनों को मिक्स करके उसमें दो पैकेट मैंने शीर खोरमे के ऐड कर दिए थे। उसके बाद इसको गार्निश करने के लिए जैली बनाई थी और जैली भी बहुत मज़े की बनती है, बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। ये भी आप पैकेट लेके घर में रख सकते हो और जब भी बच्चों का दिल हो तो उनको आप बना के दे सकते हो जैली। तो ये मैंने रेड कलर में ली थी, ग्रीन में भी आप ले सकते हो, येलो में भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो उससे मीठे के ऊपर जब आप गार्निश करते हो तो बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, सिर्फ गर्म पानी में ऐड करनी होती है, जैली का पैकेट ऐड कर लें फिर उसको किसी भी बर्तन में आप रख के ठंडा कर लें। 10 मिनट यहाँ पर बाहर ठंडा करना है, उसके बाद फिर फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, जैली आपकी रेडी हो जाएगी। उसके बाद ये ओवरऑल लुक है जो जो चीज़ें हमने बनाई थी। अभी गैस में आना था तो मैं पहले से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।